हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सेल बायोलॉजी के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेल का मोस्ट इम्पोर्टेंट या मोस्ट सोफिस्टिकेटेड पार्ट, जिसको कहते हैं न्यूक्लियस, यानी कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल। क्लियर है? न्यूक्लियस डिस्कस करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियस के बारे में। देखो, बात कर रहे हैं हम लोग न्यूक्लियस की। ये कंट्रोलिंग सेंटर होता है सेल का। क्लियर है? देखो, न्यूक्लियस जो है ये लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल है। ठीक है, लार्जेस्ट कंपोनेंट, लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ द सेल। सेल की सबसे बड़े कंपोनेंट में आता है ये। ठीक है, सबसे बड़ा कंपोनेंट है सेल का, इससे बड़ा कंपोनेंट कोई नहीं है साइज में। क्लियर है? समझ गए? डिस्कवर किसने किया था? डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था कि सेल के पास एक कंट्रोलिंग यूनिट होती है जो साइज में बाकी सारी सेल ऑर्गेनली को पीछे छोड़ देती है, यानी साइज में सबसे बड़ी है। ठीक है, और कंट्रोलिंग यूनिट है सेल की। क्लियर है? उसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस। समझ गए? ये है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस खुद कितने पार्ट से मिलकर के बना हुआ, यानी न्यूक्लियस कंसिस्ट फोर मेन कंपोनेंट्स। न्यूक्लियस में चार मेन कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, यानी न्यूक्लियस खुद चार मेन कंपोनेंट से मिलकर के बना हुआ है। कौन कौन से हैं वो, तो देखो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। देखो, न्यूक्लियस के चार इंपॉर्टेंट या मेन कंपोनेंट है। पहला है न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। समझ गए? नेक्स्ट है न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट क्रोमेटीन मटेरियल। क्लियर है? नेक्स्ट है न्यूक्लियस के भी सेंटर में एक प्रेजेंट होता है छोटा सा पार्ट, जिसे न्यूक्लियोलस बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। क्लियर है? नेक्स्ट, न्यूक्लियोप्लाज्म। ये चार मेन कंपोनेंट्स होते हैं जिनसे मिलकर के बना हुआ था अपना न्यूक्लियस। क्लियर है? तो ये न्यूक्लियस के डिफाइनिंग पॉइंट्स थे, अब देखो न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर कैसी होती है, यानी जो कंट्रोलिंग यूनिट है सेल का उसकी खुद की स्ट्रक्चर कैसी होती है वो देखने वाले हम लोग। तो देखो, न्यूक्लियस जो है ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल में काउंट किया जाता है। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड, यानी इसके ऊपर दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। समझ गए? क्लियर है? स्ट्रक्चर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे पॉइंट तो स्ट्रक्चर से क्लियर होंगे। तो देखो, डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब देखो न्यूक्लियस की अगर बात करें स्ट्रक्चर की, तो ये न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है ना, इनमें से जो आउटर साइड वाली है उसे कहा जाता है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्लियर है? समझ गए? और जो अंदर की तरफ है वो इनर मेम्ब्रेन,
इनर मेम्ब्रेन, समझ गए। नेक्स्ट, इन दोनों के बीच में ये जो स्पेस प्रेजेंट होता है, इन दोनों के बीच में ये जो स्पेस प्रेजेंट है इसे कहा जाता है पेरीन्यूक्लियोलर स्पेस। पेरीन्यूक्लियोलर स्पेस है, ठीक है, दोनों मेम्ब्रेन के, न्यूक्लियस के दोनों मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट स्पेस। नेक्स्ट, ये जो स्ट्रक्चर बीच बीच में मैंने गैप छोड़ा है इन्हें कहते हैं न्यूक्लियर पोर। ये है न्यूक्लियर पोर, ठीक है, जहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गैप बनाती है, ये न्यूक्लियर पोर है। ये क्या है? न्यूक्लियर पोर है। न्यूक्लियर पोर एक कॉम्प्लेक्स बना करके प्रेजेंट होते हैं। कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है? पोर के साथ साथ, न्यूक्लियर पोर के साथ साथ यहाँ एक एनुलस, यानी तुम लोग कह सकते हो ब्लैब या फिर ऑक्टागोनल रिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है, हर पोर पे एक ऑक्टागोनल रिंग प्रेजेंट होती है, एक ऑक्टागोनल रिंग प्रेजेंट है, ठीक है। इस तरह से थोड़ा सही नहीं बना, ये देखो ऑक्टागोनल रिंग है, क्लियर है, समझ गए। नेक्स्ट, अब अंदर की तरफ जब चलते हैं न्यूक्लियस के, अंदर की तरफ चलें तो यहां पर बिखरे हुए होंगे अपना जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल होगा, किस फॉर्म में होगा? क्रोमेटिन फाइबर्स के फॉर्म में होगा, ठीक है, तो कुछ फाइबर्स तो यहां सेंटर में बिखरे हुए होंगे, ठीक है, कुछ तो इस तरह सेंटर में बिखरे हुए फाइबर्स होंगे और कुछ क्या होंगे इस तरह पेरिफेरी पे कंडेंस्ड फॉर्म में होंगे, कंडेंस्ड फॉर्म में होंगे, पेरिफेरी पे होंगे, बट ये फाइबर्स पेरिफेरल होंगे, यानी सेंट्रल पार्ट में नहीं होंगे, सेंट्रल पार्ट में ये लाइटली अरेंज्ड फाइबर्स होंगे, ये भी क्रोमेटिन मटेरियल ही है, क्रोमेटिन फाइबर्स ही हैं, बट ये क्या हुआ, कुछ ज्यादा कंडेंस हो गए हैं, ठीक है। फिर यहां प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोलस को भी मैं इसी तरह रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एक डार्क स्टेंड सर्कुलर बॉडी, और इससे भी अटैच होते हैं ये जो डार्क स्टेंड क्रोमेटिन फाइबर्स हैं, ये इसी से भी अटैच रहते हैं, न्यूक्लियस से भी अटैच फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं ये, ठीक है, इस तरह से ये अंदर प्रेजेंट क्रोमेटिन मटेरियल है। सॉरी, देखो नेक्स्ट, ये सब कुछ कहां प्रेजेंट है? ये सब कुछ न्यूक्लियस के न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है, तो ये है न्यूक्लियोप्लाज्म, ये न्यूक्लियस का न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, ये न्यूक्लियस का क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी स्ट्रक्चर को समझने के लिए, तो डायग्राम पे फोकस होना चाहिए पूरा न्यूक्लियस की, ठीक है। तो अब लेबलाइज कर लेते हैं इन पार्ट्स को। देखो सबसे पहले इन क्रोमेटिन मटेरियल्स को, ये जो दो टाइप के क्रोमेटिन मटेरियल आए ना, एक तो ये लाइट स्टैंड क्रोमेटिन मटेरियल और एक ये डार्क स्टैंड क्रोमेटिन मटेरियल, ठीक है। अब देखो सबसे पहले ये डार्क स्टैंड जो क्रोमेटिन मटेरियल है इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है हेटेरोक्रोमेटिन। ये हेटेरोक्रोमेटिन क्रोमेटिन मटेरियल है, क्लियर है। जबकि ये लाइट स्टैंड है अंदर की तरफ प्रेजेंट है, इन्हें कहा जाता है यूक्रोमेटिन। ये क्या है? यूक्रोमेटिन क्रोमेटिन फाइबर्स है, क्लियर है। नेक्स्ट, ये जो बॉडी है यानी ये स्ट्रक्चर
जिससे ये हेटरोक्रोमेटिन अटैच है, ये स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। क्लियर है, समझ गए। और यहां बनता है न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, जैसे ये तो है न्यूक्लियर पोर, ये क्या है न्यूक्लियर पोर है। क्लियर है, और ये इसके बाहर ये जो प्रेजेंट है ये है एनुलस, एनुलस जहां से वर्ड एनिलिड अराइज हुआ है, रिंग, ठीक है, इसको बल्ब बोलते हैं, बल्ब, ठीक है, इसको ऑक्टागोनल रिंग भी कहते हैं, ऑक्टागोनल रिंग, ठीक है। और इन दोनों पार्ट्स को इकट्ठा मिला करके, इन दोनों पार्ट्स को कंबाइनली हम लोग कहते हैं न्यूक्लियर, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। तो देखो जो जेनेटिक मटेरियल है, डायग्राम से समझ आ रहा होगा, जेनेटिक मटेरियल दो फॉर्म में अरेंज है, एक तो थोड़ा सा डार्क स्टैंड फॉर्म है, ठीक है, और एक ये लाइट स्टैंड फाइबर्स की फॉर्म में प्रेजेंट है। अब डार्क स्टैंड को हम लोगों ने कहा हेटरोक्रोमेटिन और लाइट स्टैंड को हम लोगों ने कहा यूक्रोमेटिन मटेरियल। क्लियर है, लाइट स्टैंड को क्या कहा, यूक्रोमेटिन मटेरियल। अब देखो यहां न्यूक्लियस पे प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस की आउटर जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इस पे राइबोसोम्स भी अटैच होते हैं कुछ कुछ जगह, ठीक है, तो मैं यहां शो कर देता हूं, ये राइबोसोम है न्यूक्लियस पे अटैच, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट राइबोसोम्स है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे कुछ जगह है जहां इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जुड़ा हुआ होगा, उस जगह नॉर्मली हमें देखने को मिल जाते हैं क्या, राइबोसोम्स, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर्स क्या हैं, ये हैं राइबोसोम्स, राइबोसोम, क्लियर है, और यहां अटैच होते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहां हमें अटैचमेंट नजर आती है ईआर की, ठीक है, देखो ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। अब ये ऐसा तो है नहीं राइबोसोम यहां होगा, राइबोसोम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिससे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता है। क्लियर है, समझ गए ना। तो ये क्या है, ये स्ट्रक्चर है ईआर, ये स्ट्रक्चर है ईआर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर है, समझ गए। तो देखो न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को बहुत ध्यान से समझना, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ये, और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है, बट इतना कोई कंफ्यूजिंग है नहीं मैट्रिक्स में। देखो क्या होता है, लार्जेस्ट कंपोनेंट है सेल का, ठीक है, डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में, ये क्लियर हो गया। न्यूक्लियस में चार मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्रोमेटिन मटेरियल, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोप्लाज्म। क्लियर है, और न्यूक्लियोप्लाज्म। अब देखो यहां न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी न्यूक्लियस की दो मेम्ब्रेन होती है, एक तो आउटर एक इनर, ठीक है, यानी डबल मेम्ब्रेनस बाउंड स्ट्रक्चर है, और इन दोनों के बीच का स्पेस पेरिन्यूक्लियर स्पेस। क्लियर हो गया। अब इन्हीं मेम्ब्रेन्स के बाहर राइबोसोम्स भी अटैच होते हैं और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी अटैच रहता है। मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस नहीं होती, डिसकंटिन्यूअस होती है, यानी कुछ जगह जहां ये आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन से जुड़ती है वहां गैप बन जाता है, पोर लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसे न्यूक्लियर पोर बोलते हैं, और न्यूक्लियर पोर पे ही इस तरह की एनुलस रिंग प्रेजेंट हो जाती है ऑक्टागोनल, तो ये बन जाता है न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट है क्रोमेटिन मटेरियल्स, सेंटर में जो क्रोमेटिन मटेरियल्स हैं वो थोड़े से लाइट स्टेंड है, मतलब लाइट अपीयरेंस आएगी उनकी, ठीक है, तो उन्हें यूक्रोमेटिन कह दिया। जो पेरिफेरल हैं और थोड़ी सी डार्क अपीयरेंस देते हैं उन्हें हेटरोक्रोमेटिन कह दिया। अब यहीं इस एसी हेटरोक्रोमेटिन के पास में अटैच होता है हमारा न्यूक्लियोलस। क्लियर है। अब ये पार्ट जो है ये है न्यूक्लियोप्लाज्म, लेवलाइज कर लेते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। क्लियर है, समझ गए, तो इकट्ठा भी आ जाएगा ना। ये है न्यूक्लियोप्लाज्म, समझ गए, क्लियर हो गया।
तो ये स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का, ये स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का। वीडियो पॉज करो और ये निपटाओ, फिर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। क्लियर है? चलो हो गया। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, ये न्यूक्लियस के चार मेजर कंपोनेंट्स देखे और स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन न्यूक्लियस के, कि स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट, यहां दो इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे जाते हैं, ठीक है? देखो वो क्या क्या है। एक तो है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आउटर और इनर फ्यूज होती है, वहां बनता है एक पोर लाइक स्ट्रक्चर जिसे न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है? आउटर एंड इनर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फ्यूज्ड टू ईच अदर, एंड फॉर्म न्यूक्लियर पोर। दोनों मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज होती हैं और जहां फ्यूज होती है वहां न्यूक्लियर पोर बन जाता है, ठीक है? एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहां न्यूक्लियस में एक प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग कहते हैं कारियोप्लाज्मिन या फिर न्यूक्लियोप्लाज्मिन। कारियोप्लाज्मिन या न्यूक्लियोप्लाज्मिन क्या होता है, इससे पहले तुम लोग समझो, जो न्यूक्लियस है ना अपना, ये जो न्यूक्लियस है इसको कारियो भी कहा जाता है। न्यूक्लियस कारियो एक ही वर्ड है, ठीक है? न्यूक्लियस और कारियो एक ही वर्ड है। ये होता क्या है, अगर इसमें एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन होता है प्लाज्मिन प्रोटीन, न्यूक्लियस का प्लाज्मिन प्रोटीन है न्यूक्लियोप्लाज्मिन बोल दिया और न्यूक्लियस को कारियो कहा जाता है तो कारियोप्लाज्मिन बोल दिया, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये प्रोटीन क्या करता है, ठीक है? प्रोटीन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस विच कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट मटेरियल बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म देखो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में काफी सारे मटेरियल्स का एक्सचेंज होता है, ठीक है? और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में काफी सारे मटेरियल का एक्सचेंज होता है, जिनमें अगर तुम कहो तो जैसे डीएनए होता है, आरएनए होता है, ठीक है? प्रोटीन्स होते हैं, वो सारे रेगुलेटेड रहते हैं किससे, न्यूक्लियोप्लाज्मिन या कारियोप्लाज्मिन प्रोटीन से। तो न्यूक्लियर पोर से होने वाले ट्रांसफर को रेगुलेट कौन करता है, न्यूक्लियोप्लाज्मिन। क्लियर है, समझ गए? तो वीडियो पॉज करो, पॉइंट नोट डाउन कर लो, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, ठीक है? ये डायग्राम अब तक इसलिए रफ नहीं किया ताकि अगर किसी का कोई पॉइंट रह गया हो तो फिर भी कंप्लीट कर ले। हो गया, चलो अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। हम बात किसकी कर रहे हैं, द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनली वन एंड ओनली न्यूक्लियस, डबल मेम्ब्रेन बाउंड कंट्रोलिंग यूनिट ऑफ द सेल। न्यूक्लियस के फीचर्स, न्यूक्लियस के कंपोनेंट्स डिस्कस कर रहे हैं।
देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट जेनेटिक मटेरियल जो कि क्रोमेटिन मटेरियल की फॉर्म में होता है, ठीक है, क्रोमेटिन मटेरियल की फॉर्म में। तो हम बात कर रहे हैं क्रोमेटिन मटेरियल की। क्रोमेटिन मटेरियल क्या होता है, क्रोमेटिन मटेरियल क्या होता है, तो ये जेनेटिक फॉर्म, जेनेटिक मटेरियल की ही एक फॉर्म है, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल की ही एक फॉर्म है, जेनेटिक मटेरियल क्रोमेटिन मटेरियल की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और यही क्रोमेटिन मटेरियल जब सेल डिवीजन करने के लिए तैयार होता है ना, तब क्या होता है, तब क्या होता है, यही क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस होकर के बनाता है क्रोमोसोम, जिसकी कॉपीज बनती है। तो देखो क्रोमेटिन मटेरियल क्या है, क्रोमेटिन मटेरियल क्या है, दीज आर लॉन्ग थिन फाइबर्स ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन, लॉन्ग थिन फाइबर्स ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ एक्सटेंसिव नेटवर्क स्कैटर्ड इन न्यूक्लियस। देखो क्या होते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन के फाइबर्स हैं, ठीक है, न्यूक्लियो प्रोटीन के लॉन्ग थिन फाइबर्स हैं जो कि न्यूक्लियस में एक एक्सटेंसिव नेटवर्क की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, एक स्कैटर्ड एक्सटेंसिव नेटवर्क की फॉर्म में, ठीक है, स्कैटर्ड एक्सटेंसिव नेटवर्क की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। देखो ये बनाते हैं एक नेटवर्क, ठीक है, एक जाल बनाते हैं, फाइबर्स हैं जैसे रस्सियां होती है ना, तो रस्सियों का कोई जाल बन जाता है गुथ करके, उस तरह का स्ट्रक्चर है ये, ठीक है, उस तरह का स्ट्रक्चर होता है क्या, क्रोमेटिन मटेरियल। और क्रोमेटिन मटेरियल की अगर बात करें तो ये डिस्कवर कैसे हुआ था, देखो इसकी डिस्कवरी इंपॉर्टेंट है और एक याद सा रखने वाला पॉइंट है, डिस्कवर्ड बाय फ्लेमिंग बाय स्टेनिंग डिस्कवर्ड बाय फ्लेमिंग बाय स्टेनिंग, ठीक है, इंटरेस्टिंग सा है, फ्लेमिंग साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने डिस्कवर किया, स्टेनिंग मेथड यूज किया था, तो फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया स्टेनिंग के मेथड से, ठीक है, समझ गए। अब देखो स्टेनिंग किस तरह होती है, तो अगर मैं बात करूं क्रोमेटिन मटेरियल की, इट अटेंस बेसिक डाई फॉर स्टेनिंग के लिए बेसिक डाई अटेन करता है, ये बेसिक डाई से स्टेनिंग होती है इसकी, ठीक है, क्लियर है, बेसिक डाई से स्टेनिंग होती है। अब बेसिक डाई कौन कौन सी होगी, जैसे यहां नोट कर लेते हैं, बेसिक डाई होगी अपने पास, एक तो होती है एसिटोकार्मिन और एक बेसिक डाई है जैसे हम लोग कह सकते हैं, वैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट तो है अपने पास एसिटोकार्मिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो है एसिटोकार्मिन। अब ऐसा क्यों होता है, एसिटोकार्मिन का ही यूज क्यों होता है, क्योंकि ये नेचर में बेसिक है, ये डाई बाय नेचर बेसिक नेचर की है, ठीक है, बेसिक नेचर की होने के कारण इसको क्रोमेटिन मटेरियल जल्दी अटेन कर लेता है, ठीक है, इसके लिए क्रोमेटिन मटेरियल थोड़ा सा क्या होता है, अगर मैं कहूं तो एक्वायरिंग होता है, ठीक है, रीजन क्या है, रीजन इसके अंदर प्रेजेंट प्रोटीन्स का है, ठीक है, न्यूक्लियो प्रोटीन की बात की ना हम लोगों ने, न्यूक्लियो प्रोटीन के बने हुए क्रोमेटिन मटेरियल होते हैं, तो न्यूक्लियो प्रोटीन के बने हुए हैं, तो न्यूक्लियो प्रोटीन में न्यूक्लिक एसिड आता है, ठीक है, और प्रोटीन्स आते हैं, समझ गए। अब देखो अगर बात करें
इन न्यूक्लियो प्रोटीन्स की क्या खास बात है? तो न्यूक्लियो प्रोटीन्स का नेचर इंपॉर्टेंट है। कैसे? प्रोटीन यहां प्रेजेंट होता है हिस्टोन प्रोटीन, जो कि एक बेसिक प्रोटीन है, बेसिक नेचर का है, ठीक है, पॉजिटिव प्रोटीन है। अब देखो ये बेसिक नेचर का प्रोटीन बेसिक डाई ही अटेन करता है, ठीक है। हिस्टोन की प्रेजेंस के कारण ये क्रोमेटिन मटेरियल बेसिक डाई अटेन करता है, और बेसिक डाई जैसे एसिटोकार्बिन के साथ साथ एक और हो गई अगर हम बात करें तो, जिसका नाम है हेमाटोजाइलिन। हेमाटोजाइलिन, हेमाटोजाइलिन और एसिटोकार्बिन, ये दो डाई ऐसी हैं जो बाई नेचर बेसिक होती हैं, बाई नेचर होती हैं बेसिक, और बेसिक डाई से ही स्टेनिंग होती है, किसकी? क्रोमेटिन मटेरियल्स की, क्लियर है। अगर बात करें क्रोमेटिन मटेरियल्स को हम लोग कैसे पहचान सकते हैं, कब देखा जाता है क्रोमेटिन मटेरियल्स को, तो देखो यहां पॉइंट बनाते हैं। क्रोमेटिन मटेरियल्स, क्रोमेटिन मटेरियल्स कैन बी सीन इन, कैन बी सीन इन, क्रोमेटिन मटेरियल कैन बी सीन इन, कब सीन किया जा सकता है? इंटरफेज, इंटरफेज ऑफ सेल साइकिल, सेल साइकिल के इंटरफेज में क्रोमेटिन मटेरियल को देखा जा सकता है, ठीक है, समझ गए। यहां क्रोमेटिन मटेरियल क्या करता है? यहां क्रोमेटिन मटेरियल, यहां क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो कंडेंस होता है, कंडेंस्ड टू फॉर्म क्रोमोसोम्स, टू फॉर्म क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ड्यूरिंग सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के दौरान क्रोमेटिन मटेरियल होता है कंडेंस, ठीक है, और इससे बनते हैं क्रोमोसोम्स, इससे बनते हैं क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स ही तो हैं फिजिकल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। फिजिकल ना कह करके अगर मैं कहूं तो, जैसे क्रोमोसोमल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस खुद क्रोमोसोम है, ठीक है, यानी जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम्स की फॉर्म में इनहेरिटेबल होता है, ठीक है, ट्रांसफर होता है। तो क्रोमोसोम्स बनते हैं क्रोमेटिन मटेरियल की कंडेंसेशन से, और क्रोमोसोम्स डीकंडेंस होकर के वापस क्रोमेटिन मटेरियल बना देते हैं। क्रोमोसोम्स की जब डीकंडेंसेशन होती है तो वापस ही क्या बना देते हैं? क्रोमेटिन मटेरियल। अब क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो दो टाइप का होता है, ठीक है, क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो दो टाइप का होता है, टू टाइप्स ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमेटिन मटेरियल की दो टाइप होती हैं, कौन कौन सी? तो देखो क्रोमेटिन मटेरियल की दो टाइप अभी अभी हम लोग डिस्कस करके आए ना डायग्राम में, एक को तो हम लोगों ने कहा यूक्रोमेटिन, और एक को कहा है हेटरोक्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन मटेरियल की दो टाइप होती हैं, यूक्रोमेटिन एंड हेटरोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन और हेटरोक्रोमेटिन में डिफरेंस है अपीयरेंस का। यूक्रोमेटिन तो लाइट स्टैंड होती है, लाइट स्टैंड, जब स्टेनिंग होती है ना तो इसमें इतनी डार्क स्टेनिंग नहीं हो पाती, लाइट ही रह जाती है स्टेनिंग, जबकि हेटरोक्रोमेटिन डार्क स्टैंड होता है, डार्क स्टैंड, अपीयरेंस डार्क रहती है, ठीक है, इसलिए इसे हेटरोक्रोमेटिन कहा और इसे यूक्रोमेटिन कहा है, ठीक है। तो ये दो टाइप्स होते हैं क्रोमेटिन मटेरियल के, क्लियर हो गया ना, समझ गए। ये क्रोमेटिन मटेरियल की बात है, ये टाइप अभी डिस्कस करने हैं हमें। वीडियो पॉज करो, पॉइंट नोट डाउन करो, फिर हम ये पॉइंट लपेटते हैं लास्ट वाले, ठीक है। क्रोमेटिन मटेरियल के दोनों टाइप, समझ गए, चलो हो गया। अब बात कर लेते हैं यूक्रोमेटिन एंड हेटरोक्रोमेटिन की। यूक्रोमेटिन एंड हेटरोक्रोमेटिन की
देखो यूक्रोमेटिन और हेटरोक्रोमेटिन में डिफरेंस क्या है? ठीक है, हेटरोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन देखो दोनों के दोनों क्रोमेटिन मटेरियल के टाइप्स हैं, दोनों के दोनों क्रोमेटिन मटेरियल की टाइप्स हैं, और क्रोमेटिन मटेरियल की टाइप कैसी हैं? स्टेनिंग के बेस पे डिफरेंस आया है दोनों के अंदर। ठीक है, तो अगर डिफरेंसेस देखेंगे तो देखो हेटरोक्रोमेटिन क्या होता है, हेटरोक्रोमेटिन पेरीफेरी पे प्रेजेंट, ठीक है, पेरीफेरल पेरीफेरल डार्क स्टैंड क्रोमेटिन मटेरियल है, क्रोमेटिन मटेरियल है, क्रोमेटिन मटेरियल है, ठीक है, जबकि यूक्रोमेटिन क्या है, यूक्रोमेटिन सेंट्रल पार्ट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे सेंट्रल सेंट्रल लाइट स्टैंड क्रोमेटिन मटेरियल, क्रोमेटिन मटेरियल। अब ऐसा क्यों हुआ भाई, स्टैंडिंग लाइट और डार्क क्यों आई? ये इसलिए आई देखो कि इसने ज्यादा डाई अटेन की, अटेन्स मोर डाई ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मोर हिस्टोन प्रोटीन, ज्यादा हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट थे, इस वजह से इसने ज्यादा डाई अटेन की। यहां अटेंस लेस डाई ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लेस हिस्टोन प्रोटीन, कम हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट थे इसलिए कम डाई अटेन की। तो यहां से पॉइंट क्लियर होता है ना कि हिस्टोन प्रोटीन के कारण डाई को अटेन करते हैं क्या, क्रोमेटिन मटेरियल से। हिस्टोन प्रोटीन कितने हैं इस बेसिस पे डाई अटेन होती है, ज्यादा होंगे तो ज्यादा डाई अटेन होगी, कम होंगे तो कम डाई अटेन होगी, और हिस्टोन प्रोटीन कैसे नेचर के, इसी बेसिस पे डाई का नेचर डिसाइड होता है, बेसिक नेचर डाई का इसीलिए यूज होता है, हिस्टोन प्रेजेंट है इस वजह से। ठीक है, समझ गए, क्लियर है ना। तो देखो अगर ये ज्यादा कंडेंस्ड फॉर्म है जैसे कि हमें दिख रहा है, हेटरोक्रोमेटिन क्रोमेटिन मटेरियल की हाईली कंडेंस्ड फॉर्म है और ये लाइटली कंडेंस्ड फॉर्म है, तो ये जो मैटर है हेटरोक्रोमेटिन वाला क्रोमेटिन मटेरियल है ये कम एक्टिव होगा। तो मैं लिखूंगा जेनेटिकली एंड ट्रांसक्रिप्शनली लेस एक्टिव होगा क्योंकि हिस्टोन ज्यादा प्रेजेंट है तो कंडेंसेशन ज्यादा होगी, ज्यादा पैकेजिंग होगी तो ये कम एक्टिव होगा। ठीक है, और ये साहब यूक्रोमेटिन ये जेनेटिकली एंड ट्रांसक्रिप्शनली मोर एक्टिव, ज्यादा एक्टिव होंगे। ठीक है, मोर एक्टिव होंगे, क्लियर हो गया, समझ गए ना। तो ना तो हेटरोक्रोमेटिन का जेनेटिक रोल इतना ज्यादा होगा ना ही ट्रांसक्रिप्शनल रोल इतना ज्यादा होगा, ये दोनों में ही लेस एक्टिव होगा, जबकि जेनेटिकली और ट्रांसक्रिप्शनली ज्यादातर रोल किसका होगा, यूक्रोमेटिन का। ठीक है, यानी लाइट स्टैंड क्रोमेटिन मटेरियल का रोल होगा, यानी यूक्रोमेटिन का ज्यादा रोल होगा क्योंकि वो मोर एक्टिव है। तो देखो
यहां जो डीएनए है, अगर ट्रांसक्रिप्शन की बात करें, यहां जो डीएनए है वो क्या बनाएगा, कौन से आरएनए बनाएगा, यहां का डीएनए कौन से आरएनए बनाएगा, यहां का डीएनए दो ही तरह के आरएनए बनाएगा, एक तो बनाएगा आरआरएनए, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन से, और एक टीआरएनए, जबकि मेजर कंपोनेंट है जो आरएनए का एमआरएनए, वो किससे बनेगा, वो यूक्रोमेटिन के डीएनए से बनेगा, यूक्रोमेटिन में प्रेजेंट डीएनए मटेरियल से बनेगा, ठीक है, ये बनाता है एमआरएनए, क्लियर है, यानी मैसेंजर आरएनए जो आगे जाकर के यूज होगा ट्रांसलेशनल मैकेनिज्म में, ठीक है, यूज तो ये भी होता है बट बनाने की मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं हम लोग, समझ गए, क्लियर है ना। अब देखो इस वजह से अगर मैं बात करूं, ये तो बात होगी ट्रांसक्रिप्शनली, हम लोगों ने देख लिया लेस और मोर एक्टिव का इफेक्ट, अगर जेनेटिकली बात करूं तो हेट्रोक्रोमेटिन जो है ना वो यही कर लेते हैं, लेट रेप्लिकेटिव, लेट रेप्लिकेटिव क्रोमेटीन मटेरियल है, यानी इसकी रेप्लिकेशन लेट होती है, ठीक है, इसकी रेप्लिकेशन लेट होती है, हेट्रोक्रोमेटिन की रेप्लिकेशन थोड़ी सी लेट होती है, जबकि ये क्या है, ये अर्ली रेप्लिकेटिव है, ये बहुत जल्दी रेप्लिकेट हो जाता है, अर्ली रेप्लिकेटिव, अर्ली रेप्लिकेटिव टाइप का है, ठीक है, समझ गए, यानी इसकी रेप्लिकेशन जल्दी होती है, तो ये डिफरेंसेस है क्रोमेटिन मटेरियल के दो टाइप्स में, हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन। तो यहां एक तरह से क्रोमेटिन मटेरियल कंप्लीट होता है अपना, देख लो डिफरेंसेस, दोबारा डिस्कस कर देता हूं, हेट्रो और यूक्रोमेटिन में डिफरेंस क्या है, हेट्रोक्रोमेटिन पेरिफेरी पे अरेंज, न्यूक्लियस के अंदर पेरिफेरल जो पोजिशन है वहां प्रेजेंट होते हैं और डार्क स्टैंड होते हैं, जबकि ये सेंटर में प्रेजेंट होते हैं और लाइट स्टैंड होते हैं। अब ऐसी स्टैनिंग का मतलब क्या हुआ, रीजन इसका, तो डार्क स्टैनिंग का रीजन है इन्होंने ज्यादा डाई अटेन की, क्यों अटेन की ज्यादा डाई, क्योंकि इनके पास स्टोन ज्यादा थे, स्टोन प्रोटीन ज्यादा थे, जबकि यहां कम डाई अटेन हुई क्योंकि कम स्टोन थे। अब ज्यादा स्टोन है तो पैकेजिंग ज्यादा होगी, कंडेंसेशन ज्यादा होगी, तो ये जेनेटिकली और ट्रांसक्रिप्शनली लेस एक्टिव होंगे, यहां कम स्टोन है तो ज्यादा एक्टिवेट होंगे, ठीक है, जेनेटिकली भी मोर एक्टिव होंगे और ट्रांसक्रिप्शनली भी मोर एक्टिव होंगे। यहां ये जो हेट्रोक्रोमेटिन है इसका डीएनए आरआरएनए और टीआरएनए बनाता है, जबकि इसका डीएनए एमआरएनए बनाता है, मेजर कंपोनेंट। हेट्रोक्रोमेटिन लेट रेप्लिकेटिव टाइप का क्रोमेटिन मटेरियल है और ये अर्ली रेप्लिकेटिव टाइप का क्रोमेटिन मटेरियल है, ठीक है, क्लियर है ना। तो यहां क्रोमेटिन मटेरियल्स कंप्लीट होते हैं, आज इस लेक्चर में इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ओके, गुड बाय।